खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश डेयरी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पर्यावरण एवं कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से जिले में 1,26,000 मुनगे के पौधे का रोपण किया गया है। उद्यान विभाग एवं मनरेगा के समन्वय से स्व सहायता समूहों द्वारा जिले में सेहुणा एवं रौसर नर्सरी के अलावा अन्य नर्सरी में पौधे तैयार किए गए। तैयार पौधे 1 वर्ष में फल देने लगेंगे। मुनगा औषधीय गुण होने के कारण कई तरह की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। मुनगे के पौधे में कुपोषण दूर करने के गुण पाए जाते हैं एवं कई तरह की बीमारियों से लड़ने हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस पौधे के फल, फूल एवं पत्तियां भी खाने के उपयोग में लाई जाती हैं। मुनगा मुख्य रूप से विटामिन सी तथा ए एवं कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं जिंक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसकी सब्जी डायबिटीज के रोगियों हेतु बहुत लाभदायक होती है। मुनगा का पौधा सेहत के लिए वरदान माना जाता है। इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक समूह सदस्यों के यहाँ पौधे लगाने के साथ अंकुर ऐप में भी अपलोड किया जा रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा लगातार मॉनिटर की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा विकास खंड में व्यक्तिगत एवं पैच प्लांटेशन की प्रक्रिया को किए जाने हेतु वृक्षारोपण पर निरंतर जोर दिया गया है। NRLM के जिला प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि अभी भी वृक्षारोपण का कार्य बारिश को देखते हुए किए जाने की संभावना है।